हनोल उत्तराखंड की राजधानी से कुल 170 किलोमीटर की दूरी में चौंसर बाबा क्षेत्र में ये नदी बहती है जिसका नाम है टॉन्स रिवर और इस नदी के किनारे में है हनोल गांव जो प्रसिद्ध है मासू देवता मंदिर और यहाँ के होने वाले चमत्कारों के लिए। हनोल का पुराना नाम चक्रपुर हुआ करता था और इसी चक्रपुर गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था हुना भट्ट। लोक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि ये क्षेत्र किरमिर नाम के राक्षस से आतंकित था। एक समझौते के मुताबिक हर महीने किरमिर के खाने के लिए गांव से किसी एक आदमी को अपनी बलि देनी पड़ती थी। जो हुनावट ब्राह्मण थे उनके सात बेटे थे। छह की बलि किरमिर को दी जा चुकी थी और अब अपने आखिर बेटे को बचाने के लिए हुनावट कुछ भी करने को तैयार थे। एक दिन जब हुनावट की पत्नी टॉन्स नदी में पानी भर रही थी तब वह एक भविष्यवाणी होती है कि अपने गांव और अपने बेटों को बचाना है तो अपने पति को बोलो कि कश्मीर की ओर प्रस्थान करें, वहां पर मासू देवता विराजमान है, उनसे प्रार्थना करें कि वो इस गांव में आए और इस राक्षस से गांव वालों को मुक्ति दिलाएं। जब हुनावट को ये बात पता चली तब वो कश्मीर की तरफ चल दिए और वहां उन्होंने मासू देवता से अपने गाँव चक्रपुर आने की विनती की। मासू देवता एक नहीं बल्कि चार भाइयों का सामूहिक नाम है। जब हुनावट कश्मीर पहुंचे तब उन्हें चार भाई मासू मिले जिनके नाम भोटा मासू, पावाशिक मासू, वाशिक मासू और चालदा मासू। मासू का अर्थ होता है महाशिव और ये चार भाई महाशिव के ही अंश हैं। जब चारों भाई हुनावट के आगरे में उनके गांव में प्रकट हुए तब उन्होंने किरमिर राक्षस का वध किया और तब इस गांव का नाम हुनावट के नाम पर रखा गया जिसको आज हम हनोल के नाम से जानते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति जलती रहती है और यहाँ एक पानी की धारा भी निकलती है जिससे मासू देवता की प्रतिमा का जल अभिषेक होता है। ये धारा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ये कोई नहीं जानता। सितंबर के महीने में मासू महाराज का जागड़ा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो सुबह सुबह पैक पैक करके मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े हनोल की ओर। तो भाई जैसे आपने इंट्रो देखा होगा वो चल गया हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज डेट है 6 तारीख 6 सितंबर और पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ कौन जा रहा है। हेलो तो भाई मयंक भाई की वापसी हो चुकी है 2 साल बाद। स्टार्टिंग ब्लॉग में मेरे साथ डेली आता था और फिलहाल आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं हनोल जो ये सीरीज हमने बहुत पहले स्टार्ट करी थी 2 साल पहले लेकिन वो आज पूरी होने वाली है फाइनली। भाई 2 साल पहले हमने जब वहाँ गए थे ना बिसोई लखवार गए थे फिर भाई ने बोला था ये सीरीज हनोल में जाके खत्म होगी तो आज फाइनली वो दिन आ गया है वो भी जागड़े में। बस थोड़ा लेट हो गया वो दिन आने में लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट डे पे जा रहे हैं। पर एक बार बताऊँ मैं ना 8 बजे से रेडी हो रखा ये बंदा भाई 2 साल बीत गए अभी भी नहीं सुधरा, अभी भी लेट 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 और फाइनली आ गया। अभी हम यमुना ब्रिज से ऊपर हैं, देखो नीचे यमुना रिवर है और नैनबाग आने वाला है और यहाँ से कितना 150 तो मसूरी से था, 25 किलोमीटर आ गए अभी भी बहुत ही है भाई। 120 के आसपास अभी भी होगा यहाँ से वो बस। और भाई को ना पूरा एक्सपीरियंस है हनोल का, मेरा फर्स्ट टाइम है, इतनी एक्साइटमेंट है ना अंदर से। लेकिन एक्साइटमेंट मुझे भी फर्स्ट टाइम वाली भाई, जागरण पहली बार मैं भी देखूंगा। भाई फिलहाल निकलते हैं 1 बज गया अब हमें आगे पेट्रोल पे रुकना है, टैंक फुल कराना है। तो यमुना रिवर क्रॉस करके हम निकल पड़े आगे के सफर के लिए नैनबाग की ओर। पेट्रोल भराने के बाद हमें इंतजार था नैनबाग का। तो भाई नैनबाग पहुंच चुके हैं, ये देखो हमारे पीछे है नैनबाग का मार्केट। तो भाई नैनबाग हमने क्रॉस कर लिया है, अब हम जा रहे हैं डामटा की ओर। तो नैनबाग क्रॉस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था डामटा। गाइस लाख हम लोग गेट से पहुंच गए, देखो अभी कहां पहुंचे यार, अच्छा 5 किलोमीटर रहा ये सामने लाख मंडल आ गया पर हमें इस साइड जाना है ठीक है पूरी के लिए, कल हम इधर जाएंगे अगर आ जाएंगे। और बाकी ये देखो यमुना रिवर है, आगे जाके टॉन्स मिलेगी और बाकी वेदर देखो भाई क्या मस्त वेदर हो गया अभी।
उधर जाते थे हर टाइम, जितने आपने इससे पहले व्लॉग देखे हम उधर जाते थे लेफ्ट, आज हम राइट जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं राजधानी हनोल में। आज पहली बार ट्रेन कम्प्लीट हो रहा है। डांटा क्रॉस करके ही हम पहुंच गए लाखामंडल रेंज में, जहाँ का भाई व्यू आप खुद ही देखो। तो भाई अभी हमने जस्ट लाखामंडल क्रॉस किया है और लाखामंडल आगे देखो भाई, ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। नीचे देखो एक गांव वगैरह है, और बता कैसे ऐसे पुराने नहीं होते, कोई छत देखो जैसे पुराने घर होते हैं और इसके नीचे रिवर हो, कितना प्यारा सा लग रहा है। तो भाई जस्ट लाखामंडल क्रॉस किया और पीछे का व्यू देखो भाई, इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, सो यहीं से इतना प्यारा व्यू आने लगे तो आगे क्या मिलेगा हमें। तो भाई टाइम हो गया है 2:28, मतलब बहुत जल्दी आया उधर से 75 तो लाखामंडल है मसूरी से, बाकी मैंग भी लग गया स्टोरी स्टोरी डालने में, बताने लगे हम कहाँ कहाँ पे है। और बाकी व्यू देखो भाई क्या अल्टीमेट व्यू है यहाँ पे। तो भाई देखो एक एक गांव ये सामने है और ऐसे लग तो ऐसी रहा कि उनकी छानी छूनी है, पर भाई ये बहुत प्यारा सा लग रहा है। ये देखो ना वहाँ पे घर है और उसके नीचे रिवर, और अगर अभी बरसात का टाइम नहीं होता तो रिवर का पानी रहता है ग्रीन, तो आप सोचो उस टाइम कितनी बढ़िया लगती है। तो भाई जस्ट हमने अभी स्टॉप लेने का मूड था नहीं, पर रुकना पड़ा क्योंकि आपने व्यू देख लिया पीछे कितना बढ़िया है, और ये रेंज है लाखामंडल के थोड़ा आगे, रेंज ये लाखामंडल ही पड़ती है वैसे, और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा ही है। नीचे यमुना नदी बहुत प्यारी दिख रही थी और यहाँ पे एक गाँव भी है जो बहुत प्यारा दिख रहा है, मतलब आपको दिख रहा है नीचे वाला। तो हम यहाँ स्कूटी कंटिन्यू चला रहे थे तो थोड़ा रुक गए थे और फिर हमने थोड़ा ब्रेक भी ले लिया, और बाकी अब हनोल 50 किलोमीटर बचा है और भाई 3 साल 50 किलोमीटर। रॉबी भाई चलना भी है, चलना तो ठीक है पर व्यू देखना कितना प्यार है भाई। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ठीक है देखो टाइम हो गया 2:40, सुबह से दोनों भूखे हैं, मतलब खाने के लिए लोग कहीं पे आ रही है, देखो इतनी प्यारी लोकेशन है, मजा आ गया भाई कसम से। अभी तो मतलब ये तो स्टार्टिंग हो रही है, आगे आगे तो मयंक भाई का कह रहा है कि और अच्छी अच्छी लोकेशन आ गए, इससे धांसू आ गया। तो भाई 15-20 मिनट बर्बाद करने के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से, बर्बाद इतना क्योंकि हमें जाना दूर है ना, और हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी चला, ताकि थोड़ा हनोल को थोड़ा एक्सप्लोर कर पाएँ, इसने तो कर रखा मेरे को करना है। फिलहाल निकलते 50 किलोमीटर है और आप रुकेंगे कुछ खाने की जगह। तो भाई देखो ये पूरा नौगांव, यहाँ से ये पूरा ये गांव है क्या, पूरा इतना बड़ा हैंगर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये देखो यहाँ पे ख़त्म, नौगांव है इसका नाम, और इसके नीचे देखो ये रिवर जा रही है, मतलब रिवर तो सारे गांव से निकलती है यहाँ से, बहुत बड़ा यार। तो भाई 15 किलोमीटर बचे पुरोला। तो नौगांव क्रॉस करके हमको इंतज़ार था पुरोला का, तो इन खूब से रास्तों के बीच हम निकल पड़े आगे की सफर। तो भाई पुरोल से जब पहले हुडोली पड़ता है, तो ये वो गांव है हुडोली। तो भाई पुरोला यहाँ से 5 किलोमीटर की दूर डिस्टेंस पे है, और पीछे का व्यू देखो आप है। तो यहाँ पे देखो भाई जो सामने गांव है ना, यहाँ पे ये वाला साइड ये मंदिर है, ये भी शायद मासी देवता का मंदिर होगा, और ये देखो यहाँ पे इनकी नदी जा रही है, इधर उधर खेत और सामने गांव है, मतलब है नहीं जन्नत। अरे भाई मजा आ गया देख के, मतलब जी तो ये लोग रहेंगे रहे ना, देखना भाई कितना प्यारा लग रहा, बीच में नदी आ रही, इधर खेत उधर खेत, और सामने इनका गाँव इतना प्यारा सा, और बाकी देख कितना अच्छी जगह आ रही है ना भाई, जितना मंदिर दिख रहा ना यहाँ से ऐसे लग रहा लकड़ी का बनाया, जैसे हर जगह मासी देवता होते होते हैं, क्या बोलता है। तो भाई हनोल ना यहाँ से जस्ट 40 किलोमीटर की दूरी पे है, और हमें ना हर अलग अलग मोड पर रुकना पड़ रहा है, क्यों रुकना पड़ रहा है, इतना प्यारा प्यारा व्यू है, देखो एक बार गांव देखो पीछे कितना मस्त लग रहा है एंकर, और यहाँ पे खेत कितने प्यारे हैं और बीच में एक नदी जा रही है, बाकी ना यही ज्यादा चीज अच्छी लग रही है, यहाँ की नदी जा रही उधर खेत इधर खेत और सामने गाँव, मतलब कितनी अच्छी जगह रहते होंगे लोग है ना भाई, भाई कितना अच्छा लगता होगा रोज सुबह उठ के ये नजारा दिखेगा, वही तो एंकर देखो कितना प्यारा सा, देखो यहाँ से नदी जा रही है उधर खेत इधर खेत और सामने गाँव, पहाड़ भी कितना प्यारा है पूरा, मतलब ये तो पूरा बहुत मस्त लग रहा है। वो देखो ये इनके गांव है, और इस साइड ना देखो इनकी बकरियां जा रखी, कितनी सारी बकरियां, देखो आधे पहाड़ घिरा हुआ, यहाँ थोड़ा दूर दिख रहा हुआ कैमरे से, बाकी क्या अल्टीमेट व्यू है ये पहाड़ देखो इधर। तो भाई फिलहाल निकलते इस प्यारे से गांव से, अब पुरोला का इंतजार है, और क्योंकि भाई सुबह से कुछ खा नहीं रखा हमने खाना ना, अब देखो 3:30 बज गया, भूख भी लगी, अब पुरोला आएगा फिर उत्तर मोर, क्या एक्साइटेड होने क्या बोल रहे हैं, पुरोला आएगा फिर मोरी आएगा, अब सीधा हनोल फाइनली। भाई पुरोला में हो रहा
ब्रेकफास्ट लंच एक साथ लंच हो रहा है, ब्रेकफास्ट तो किया नहीं रहा है। 4 बजे है भाई, और यहाँ से तो क्या सुनने में हमारी भाई 50 किलोमीटर है पूरा। हम यहाँ से सोच रहे थे, पर लिखा हुआ भी था पीछे, लिखा हुआ भी था 50। अभी ये दोबारा वाला भैया ने बोला कि इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताया कि यहाँ से पूरा 50 है। अरे वार्निंग में देखिए भीड़ बहुत है क्या आज, वही सोच रहे हैं कि कैसे हम स्कूटी कहाँ लगाएंगे, कैसे क्या। मैं कोई नहीं, हो जाएगा, मासूर रिश्ता ने बुलाया तो सब होगा। चल तो खाना खाते हैं और फिर 50 किलोमीटर और। भाई पुरोला क्रॉस हो चुका है, आप निकल चुके हैं मोरी के लिए। पुरोला से आगे जाके वो यू टर्न मरता है, वो मोरी का रास्ता है। आगे का रास्ता पूरा पाइन के पेड़ों से घिरा हुआ था। मोरी से 20 किलोमीटर पहले, 20 किलोमीटर हाँ पहले, हाँ नहीं, अरे यार भाई भरोसा ही नहीं। तो मोरी से पहले जरमुला टॉप में हमें दिखती है हनुमान जी की इतनी बड़ी, भाई हनुमान भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति जरमुला में। भाई देख रहे फोटो किसने लाई, ये देखो कितनी तगड़ी लाइन लगा रही, फोटो खींचने जा रहे हैं। हमारा भाई भी वेटिंग पे, मैं यही पे इतनी भीड़ है तो अनुल में क्या होगा भाई। इतना ट्राई किया हमने फोटो खींचने का, नंबर आने नहीं है हमारे। तो गाइस जरमुला दारा में क्रॉस कर रहे हैं, जरमुला दारा टॉप में, ठीक है। अब हमें पूरा नीचे को जाना है, डाउन जा रहे हैं। अब भाई यहाँ पे ना मतलब तगड़ी बारिश हो रखी, रोड पूरी गिली हो रखी। Guys, welcome to Hanol. Hanol है। तो भाई 17 किलोमीटर हनोल बचे, जो गेट आता है ना हनोल वाला, वो हमने एंटर कर लिया है। और क्या, मोरी बस 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर आगे मोरी है, और उसके आगे 17 हनोल है, वहाँ से 16 किलोमीटर हनोल है। तो भाई मोरी पहुंच गए हम, देखो सामने ट्यूनी 32, हनोल यहाँ से 16 किलोमीटर। मोरी पहुंचते ही लोगों की भीड़ देख के पता चल गया कि हनोल में कितना रश देखने को मिलेगा। अभी जखोल में आ रखे हम, यहाँ पे ना हेलमेट वगैरह रखेंगे, सामान वगैरह रख लेंगे। और यहाँ पे देखो भाई घर के पास ही नदी बहकर, तभी बेटे दिक्कत होती है लास्ट में जब बारिश बढ़ जाती है। तो अभी भाई बात कर रहा है हेलमेट वगैरह सामान रखने के लिए, बाकी एक बैग तो हमने डिग्गे में डाल दिया, बाकी हेलमेट है ना कि भीड़ होगी हनोल में, इस वजह से नहीं छोड़ रहे, सुबह ले जाएंगे। बाकी देखो ये पूरा गाँव है जखोल का, हेलमेट के लिए कहाँ कहाँ दौड़ा रहा मैं, पता नहीं कोई भाई जी उनका घर ढूंढ रहे अभी तो पहले फिलहाल। इधर देखे एक बार कार का हेलमेट बहुत जुगाड़ किया है मैं हेलमेट रखने के लिए, भाई देख रहे भाई उसके पेड़ है पर उसमें रखो, एक गांव में आ रखे वहां में हेलमेट रखा। भाई जुगाड़ हो गया हेलमेट का, एक गांव में गए थे हम भाई, तेरे भाई के कांटेक्ट कर सके भाई साहब, पता नहीं कहां कहां से ना भटक भटक के रहेंगे, पहुंच गए फाइनली। और अब यार 16 किलोमीटर की दूरी पे हनोल आ जाएगा। तो भाई मोरी हमने क्रॉस कर लिया है और ये हो गया हनोल के लिए एंट्री, यहाँ से 14 किलोमीटर की हनोल की ट्रिप बची है। तो भाई मोरी हमने क्रॉस कर लिया है, यहाँ से हनोल की दूरी है मात्र 14 किलोमीटर। तो बाकी इस पार्ट को हम एंड करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं पूरा मंदिर का जागरण और यहाँ से मंदिर तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा जॉनसर बाबर का कल्चर और ट्रेडिशन। जहां मासू देवता की राजाओं की तरह पूजा की जाती है। Yeah.